पीछे रोड में कम परसेंट होता है। जो 15 मिनट से पहले पहले है 50% होता है। मुंह में डाल लेना है इसको और धीरे धीरे सांस तो मुंह से क्या है नाक से लेना है लेकिन छोड़ना इससे धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे ये बहुत काम आता है उसे। ठीक है आइस एक्स, ये आइस एक्स हो गया। इसमें अभी विच शवल दोनों काम करेगा। ठीक है बर्फ को फालना फेंकना और साथ में कहीं आइस से तो तोड़ना। आइस ईमान दिया है कल के दिन में इसी तरह आपका गांव में आएगा था आपको थोड़ा बहुत। यही है कि अवलांश कब आता है आप किसी को पता नहीं चलता है। ये इमीडिएटली जो एम्बुलेंस रेस्क्यू टीम है वो एक्शन करके उस विक्टिम को एम्बुलेंस में आए हुए एम्बुलेंस के सफड़े में आए हुए विक्टिम को रेस्क्यू करने के लिए इस इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। इसलिए यहाँ पर लिवर्ड करके हम एक एक इक्विपमेंट के बारे में आपको बताएंगे साथ ही अपने बंदे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा और आप लोग से भी खुद वो सिर नीचे डाल यार। एक बंदा फंसा एवलांच के चपेट में आ गया उसको निकालेंगे हम एवलांच रॉड से फाइन प्रोबिंग द्वारा। ठीक है आराम से आराम से आप बोल रहे हैं प्रोब कर रहे हैं आप बोलो गोचे गोचे नहीं मुझे यहाँ पर फीलिंग करो ना बिल्कुल आपको उसकी बॉडी में जख्म नहीं लगना चाहिए। ऐसे दो मिनट के अंदर ऐसे हो जाता है आदमी अगर अपलांच के चपेट उधर ले चलो आगे इधर से छोड़ो ना इधर मत देखो यार उधर आज जो है गुरेज में इंडियन आर्मी की तरफ से एक एवलांच ट्रेनिंग जो है कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ के यूथ के लिए काफी सारे गांव से जो है बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए गए और उनको सिखाया गया कि एवलांच जब होता है क्योंकि ये एक सारा जो है एवलांच प्रोन एरिया है तो जब भी आगे कभी ये एवलांच यहाँ पे आएगा कोई नुकसान होगा तो ये बच्चे जाके इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं और वहाँ पे रेस्क्यू कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है इंडियन आर्मी की तरफ से ये चीजें यहाँ